दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक डीआई बताएंगे जो कि प्री लेवल की बेसिकली होगी। अगर मैं बात करूं क्लर्क का और असिस्टेंट के जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका एलआईसी हो जाए, एसबीआई हो जाए या आईबीपीएस हो जाए, तो इसमें क्लरिकल का लेवल कैसा रहता है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। तो प्रैक्टिस मॉक का ये टेबल डीआई का क्वेश्चन है, आप इसको पूरा पहले देखना। और एक फ्री मॉक टेस्ट आप लोग क्लरिकल लेवल के लिए अगर अटेम्प्ट करना चाहें तो इनका पहले फ्री है, मैं आपको नीचे लिंक भी दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाएं और जाकर विजिट कर सकते हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चंस को एक बार हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। ओके, सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को एक बार हम ध्यान से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या पैरामीटर्स दिए हैं और क्वेश्चन आपका क्या कहने वाला है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, मतलब जो आपको टेबल में इन्फॉर्मेशन दी है पहले आपको इसको एनालाइज करना है और उसके बाद आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पर जो टेबल क्या कह रही है कि टेबल जो दिया है, द गिवन टेबल बिलो शोज द सेक्स रेशियो ऑफ फाइव डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, पांच डिफरेंट जो है राज्य यहाँ पर दिखाए गए जिनका सेक्स रेशियो बताया गया है, राजस्थान, कर्नाटका, बिहार, झारखंड और एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि द सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल्स इन दिस डीआई। ओके, मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सेक्स रेशियो है इसमें जो ये आंकड़े दिए गए हैं ये किसके ऊपर है, ये 100 मेल्स के ऊपर है। तो यहाँ पर आप ये देख लें कि ये सारे के सारे जो आंकड़े हैं ये आपको फीमेल्स के दिए गए हैं। ठीक है, और हम मेल्स को 100 ही कंसिडर यहाँ पर करेंगे, पर 100 मेल्स के ऊपर ये आंकड़े दिए गए हैं। तो मतलब आप देखो 100 मेल हैं और फीमेल 75 हैं, 100 मेल हैं, 80 फीमेल हैं। ठीक है, तो ये मेल तो यहाँ पर फिक्स हैं, 100 और फीमेल्स वेरी करेंगे। तो यहाँ पर आप इनका रेशियो बना सकते हो। ठीक है, रेशियो बनाने के लिए एक आपको छोटी सी टेबल और चाहिए होगी। मैं केवल क्या करने वाला हूँ, देखो इस टोटल का यूज़ करके हम मेल और फीमेल को फाइंड आउट करेंगे, यही हमारा बेसिक फंडामेंटल यहाँ पर रहने वाला है। मतलब हर एक 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो आप क्या करो कि एक छोटी सी टेबल और यहाँ पर ड्रॉप कर लेते हैं। देखो जैसे ये हो गया आपका राजस्थान और ये हो गया कर्नाटका, इसके बाद है बिहार और फिर है झारखंड। ठीक है, और उसके बाद में है एमपी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो रेशियो है वो हमें मिल चुका है 7500, तो ये कितना हो जाएगा 25 से 3 बार 25 से 4 बार, 3:4। ये आपका जो फीमेल के साथ में जो मेल हैं इनका रेशियो 3:4 बन गया। अब ऐसे आप कर्नाटका का देखो 8000 है तो ये कितना हो जाएगा 4:5 आपका ये वाला आ गया। इसके बाद आप बिहार का देखोगे 8500 है तो देखो 5 से 17 बार जाएगा, 5 से 20 बार जाएगा, कितना हो गया 17:20 ये रेशियो बन गया। झारखंड का देखोगे 0 से 0 कट गया, ये कितना बन गया 9:10 आपका डायरेक्टली यहाँ पर बन जाएगा। ये कितना है 95 और ये है 100, तो 5 से 20 बार और 5 से 19 बार ये हो गया आपका 19:20। ठीक है, ये आपने देखा सारे के सारे जो रेशियो हैं वो हमने एक बार में लिख लिए। अब हमें टोटल वैल्यू पता है। ओके, देखो टोटल हमें यहाँ पर दिया गया है तो आप खुद देखो कि आप मेल और फीमेल की जो संख्या है वो क्या आप निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल दोगे। ठीक है, फीमेल और मेल इनके नंबर्स हमें चाहिए और वो हम एक एक बार में निकाल देंगे। कैसे, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें पता है कि टोटल पॉपुलेशन 3220 है, ये राजस्थान में है। ठीक है, और राजस्थान में जो रेशियो है वो कितना है, ये 3:4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को लिख देंगे। ठीक है, आप ध्यान रखना कि मैं फीमेल यहाँ पर पहले लिखूंगा उसके बाद मेल को पॉइंट आउट करूंगा। ठीक है, क्योंकि राजस्थान सबसे ऊपर है तो 3:4 दोनों रेशियो ऐड करोगे 7 हो जाएगा, ये बराबर हो गया 7 के। 7 से कितने बार जाएगा, देखो 7 से ये 4 बार गया। ठीक है, और 4 बचा 42 हुआ 6 बार, तो ये कितना आ गया 460। अब देखो 460 की 4 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या रेशियो मिल जाएगा, ये आपको 3 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो राजस्थान का फीमेल मिल जाएगा। तो 460 × 3 आप अगर करोगे, देखो 400 × 3 1200 6 × 3 1800, तो ये हो गया कितना आपका, ये हो गया आपका 1380। अब आप क्या करो, इस टोटल 3220 में से 1380 इसको माइनस कर दोगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 40 और इधर 1840 आपको ये पूरा मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो 5 और 4 ये 9 रेशियो हुआ, ये बराबर 9 रख दो, देखो 9 से 5 बार और 1 बार ये हो गया आपका 510। अब देखो 510 की वैल्यू अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2040 हो गया। ठीक है, फीमेल कितना हो गया 2040। अब यहाँ पर टोटल 4590 में से 2040 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 2550। ठीक है, इसके बाद आप देखो ये कितना है आपका 17 और 20, ये आपका है 37, तो बराबर रख दो 37 37 से। देखो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ये मैं डायरेक्टली इसको डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप खुद देखो कि अगर 37 की वैल्यू
टोटल रेशियो कितना है, मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर 37 रेशियो है, 37 के बराबर टोटल पॉपुलेशन होगी, तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल रहा हूँ और फिर 17 से मल्टीप्लाई करके फीमेल निकाल रहे हैं और 20 से मल्टीप्लाई करके मैं मेल निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मेल का रेशियो मेल में मल्टीप्लाई, फीमेल का रेशियो जो है फीमेल में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 37 से इसको डिवाइड करोगे तो ये एक बार जाएगा और क्या बचा, 3370, ये 10 बार जाएगा तो 110 आ गया। अब 110 की अगर आप 17 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखो ये आपका आ जाएगा 17 × 10 = 170, 17 × 1 = 17 तो 187 हो गया, तो ये हो जाएगा 1870, ठीक है। अब आप क्या करो, 4070 इसमें से 1870 माइनस कर दो, आपको जो है अगली वैल्यू पता जाएगी, क्योंकि टोटल 4070 है और मुझे फीमेल पता चल गए तो मेल रिमेनिंग होंगे ना, तो 4070 में से 1870 अगर माइनस करूंगा कितना आ जाएगा, 2200, ठीक है। इसके बाद आप देखो अगला नंबर क्या है, 10 और 9 ये हो गया 19, अब ये 19 के बराबर रख दो तो 19 से दो बार और ये 557 तीन बार जाएगा, ठीक है, 230 हो गया। अब 230 × 9, ठीक है, ये कितना आएगा, 207 आएगा, तो 2070 हो गया। अब 4370, 4370 में से 2070 आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 2300 आपका आ गया। ये कितना हो गया, 19 और 20 ये आपका हो गया 39, तो ये वैल्यू हो गई 39, ठीक है। अब देखो ये कितने बार जाएगा, यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको पहले देखना पड़ेगा ये कितने बार जाएगा। देखो अगर मैं 39 की 10 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 390 हो जाता, ठीक है, समझ रहे हो। और अगर मैं 9 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक बार 9 से देख ले रहा हूँ, ठीक है। देखो 9 × 9 = 81 और 9 × 3 = 27 और 8 = 35, ठीक है, 351, मतलब ये पूरा 9 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब 19 × 90 कर दोगे तो यहाँ पर आपको फीमेल की वैल्यू मिल जाएगी, तो 19 × 90, ठीक है, 19 × 9 कितना होता है, 171 होता है, तो 1710 हो गया। अब ये 3510 में से 1710 माइनस कर दो कितना हो जाएगा, 1800, ये वाली वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। तो आपने क्या करा, सारी वैल्यूज़ एक बार केवल निकाल दी, अब इन्हीं वैल्यूज़ का पूरा पूरा गेम है, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक बार देख लेते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये मैंने डिजिटल टेबल यहाँ पर लिख दी है, ठीक है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप डायरेक्टली यहाँ पर देख पाओगे। इसमें लिखा है राजस्थान की महिलाओं की संख्या कितनी है, फाइंड द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान और इसमें फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, 1380, तो राइट आंसर कितना हो गया, 1380। टेबल देखकर क्वेश्चन सारे ही बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फीमेल पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज व्हाट परसेंट लेस देन दैट द मेल पॉपुलेशन। मतलब आपको बिहार में आना है और इसमें जो फीमेल पॉपुलेशन और जो मेल पॉपुलेशन है इसमें अंतर निकालना है व्हाट परसेंट में, ठीक है। तो आपको इन वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, आप डायरेक्टली बिहार में आओ और रेशियो देखो फीमेल और मेल का कितना है, फीमेल का 17 है, इसका 20 है, तो आप देखो रेशियो ही कम है, 17 20 से कितना कम है, 3 रेशियो कम है, किस वैल्यू से, 20 से × 100, ठीक है। आप अगर वैल्यू के ऊपर करोगे तब भी आंसर वही आएगा, आप रेशियो से कर लोगे कैलकुलेशन कम हो जाएगी, ये 5 × 3 कितना हो गया, 15%, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है ना कि बिहार की महिला जनसंख्या जो है पुरुष जनसंख्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, ऑब्वियसली कम है, जिसका रेशियो कम है उसकी वैल्यू भी कम होगी, तो 17 रेशियो 20 रेशियो से कम है ना, तो फीमेल कम है, कितनी कम है, 3 रेशियो में कम है, किससे कम है, 20 से कम है, क्योंकि मेल से कम है, तो 30/20 × 100, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका एक बार में हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये क्या कह रहा है आपका, इसमें कहा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन ऑफ बिहार टू द मेल पॉपुलेशन ऑफ एमपी, ठीक है। देखो बिहार में मेल पॉपुलेशन कितनी है, 2200 है, ठीक है, और हम यहां पर देखें एमपी में जो मेल पॉपुलेशन है कितनी, 1800 है, तो ये कितना हो गया, 20 20 वैसे ही खत्म हो गए, ये 11 बार और ये 9 बार, 11:9 आपका रेशियो यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, देखो इसमें क्या है, द नंबर ऑफ मेल्स इन झारखंड इज हाउ मच मोर देन दैट ऑफ फीमेल्स ऑफ द सेम स्टेट, ठीक है। तो मतलब हमें झारखंड में आना है और मेल और फीमेल दोनों का अंतर निकालना है, ये कितने, 2070, ये है 2300, अंतर कितना आ गया, ये आपका आ गया 230 का आंसर, ठीक है, 230 राइट आंसर आपका हो जाएगा। डिफरेंस आपका पूछ रहा है, ठीक है, कि मतलब झारखंड में महिलाएं और पुरुष दोनों की संख्या में जो है कितना अंतर है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ मेल पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान एंड कर्नाटका टुगेदर। मतलब आपको मेल पॉपुलेशन लेनी है किसकी, दो स्टेट की, एक राजस्थान और कर्नाटका की, राजस्थान कर्नाटका दोनों लाइन से इन दोनों वैल्यूज को आपको जोड़ना है, मतलब 1840 + 2550, ठीक है, डिवाइड बाई 2,
ठीक है, अगर आप इन दोनों वैल्यूज को जोड़ते हो कितना आ जाएगा, देखो ये हो गया 0, 5 और 4, 9, और ये 3 और ये 4, 43/90/2, ये कितने बार जाएगा, 2 बार, फिर 1 बार, फिर 9 बार, फिर 5 बार, 2195 आपका राइट आंसर डायरेक्टली एक बार में बन जाएगा। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि एग्जामिनेशन में कुछ हल्के क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आएंगे, 4 मिनट 5 मिनट बहुत ज़्यादा है, मैं तो कहूँगा कि 3 से 4 मिनट में आप इस तरीके के क्वेश्चंस को बनाना सीखो। मेन मुद्दा क्या था, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो सबसे स्टार्टिंग में जो पॉइंट दिया था बहुत इंपॉर्टेंट था, आप देखोगे सेक्स रेशियो में केवल एक वैल्यू दी गई है, टोटल हमें ये दिया गया, आपका माइंड सबसे पहले जाएगा कि यार यहाँ पर मेल और फीमेल का अगर हमें रेशियो मिल जाता तो हम कर लेते हैं। ये जो लाइन लिखी है ना, इसी से ही सारा काम हुआ था, इसमें लिखा था ना कि अलग अलग राज्यों के सेक्स रेशियो को दर्शाया गया है, इस डीआई में सेक्स रेशियो प्रति 100, ठीक है, प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो देखो आपको फिक्स कर दिया गया है ना कि 100 पुरुषों पर महिलाएं, तो ऑब्वियसली यहां पर जो सेक्स रेशियो में जो वैल्यू दी गई है ये फोर्सफुली आपको एग्जामिनर बता रहा है कि सारी की सारी वैल्यू जो है फीमेल्स की है, क्योंकि फीमेल्स पर 100 मेल के ऊपर हमने यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं। तो जिसने इस लाइन को समझ लिया उसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो पूरे के पूरे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन अगर आता है तो थोड़ा सा लॉजिक लगता है, बाकी कैलकुलेशन अप्रोच एंड नथिंग एल्स। ठीक है, सो गाइस आपने अभी क्वेश्चन को देखा होगा अच्छे से, और ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, तो नीचे लिंक दिया गया, आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेस्ट पोर्टल पर जाकर एक बार फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें ताकि आपको और भी कुछ चीज़ें पता चल पाए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।